हाय स्टूडेंट्स, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एडोलॉजी यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने सेकंड यूनिट को, जो कि हमारा वेक्टर। और स्टूडेंट आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। आपने स्टूडेंट जब 9th क्लास में फिजिक्स पढ़ा होगा तो आपने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जरूर पढ़ा होगा। आप अगर हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो आपने स्टूडेंट राशि के बारे में पढ़ा होगा, भौतिक राशि। याद कीजिए, आपने पढ़ा होगा कि भौतिक राशियां क्या होती है। तो क्या होती है ये फिजिकल क्वांटिटी, क्या होते हैं इसके टाइप्स, ये हम लोग जानेंगे और उसके बाद ही हम लोग वेक्टर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी आखिर क्या होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी कहने का अर्थ ये है कि ऐसा कोई भी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके, जिसको मापा जा सके। ठीक है, तो एक पॉइंट यहां पे लिख लीजिए कि दोज क्वांटिटी, दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड इतना ही सिर्फ रहने देते हैं, विच कैन बी मेजर्ड। तो दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, वैसे क्वांटिटी जिसको मापा जा सके, जिसको मेजर किया जा सके, नापा जा सके, उसको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जैसे में हम अगर बोले मास, तो मास को हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि 5 kg है, 10 kg है, 15 kg है, ये बता सकते हैं। हम अगर बोले लेंथ, या हम बोले अगर डिस्टेंस, तो उसको हम डिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं भाई, तो माप सकते हैं कि डिस्टेंस कितना है भाई। यहाँ से अगर पटना का डिस्टेंस बोले तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम अगर बोले फोर्स, तो फोर्स को हम पता कर सकते हैं कि फोर्स कितना लग रहा है, 10 न्यूटन लग रहा है, 15 न्यूटन लग रहा है, 20 न्यूटन लग रहा है। हम बोले एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हम पता कर सकते हैं कि आखिर कितने मीटर पर सेकेंड के हिसाब से जो है बॉडी मेरा एक्सेलरेट कर रहा है। तो यानी कि वैसे क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जा सके हम बोलेंगे कि वो फिजिकल क्वांटिटी। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन अब हमने पढ़ा है और आपने भी पढ़ा होगा 9th क्लास में, मुझे याद है आपको ये बातें पता होगी। एज अ रिवीजन आप समझ लीजिए, आपने पढ़ा होगा कि भौतिक राशियां दो प्रकार की होती, एक होता है आपका अदिश राशि और दूसरा होता है सदिश राशि। यानी कि एक होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। अब ये क्या होता है, तो फिजिकल क्वांटिटी को हम दो टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिनको पूरी तरह से स्पेसिफाई करने के लिए, जिनको पूरी तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए हमें केवल और केवल परिमाण बताना पड़े। परिमाण का मतलब हमें केवल मैग्नीट्यूड स्पेसिफाई करना पड़े, तब हम बोलेंगे कि वह स्केलर क्वांटिटी। फिर से समझिएगा, वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड को स्पेसिफाई करना पड़े। हिंदी में वैसे भौतिक राशियां जिनको बताने के लिए, जिनको लिखने के लिए, समझाने के लिए हमें केवल परिमाण बताना पड़े, हम बोलेंगे वो अदिश राशि है। तो आप हिंदी में ऐसे समझ सकते हैं अदिश, अ का मतलब क्या होता है, नहीं। जैसे असंभव बोले इसका मतलब संभव नहीं, तो अदिश बोले इसका मतलब दिशा नहीं। और ये बात समझ, अदिश का मतलब कि इसमें दिशा नहीं है, डायरेक्शन नहीं। आई बात समझ। तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया कि वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिनको स्पेसिफाई करने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड बताना पड़े, डायरेक्शन की कोई जरूरत ना पड़े, हम बोलेंगे वह स्केलर क्वांटिटी है। फॉर एग्जाम्पल से बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मास। जैसे मान लिया जाए आप दुकान जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, लेट से आप चीनी खरीद रहे हैं लूज में, तो आप दुकानदार को क्या बोलते हैं एक बार बताइए। आप बोलते होंगे भाई 1 किलो चीनी दे दो, ऐसा तो आप नहीं बोलते हैं कि भाई 1 किलो चीनी ईस्ट में दे दो, है ना, 5 किलो चीनी नॉर्थ में दे दो, ऐसा कभी बोलते हैं क्या, कभी नहीं बोलते हैं। मतलब
यहाँ पे हम दुकानदार को मास बता रहे हैं कि भाई कितना चीनी देना है, और वो बताने के लिए मुझे केवल मैग्नीट्यूड को स्पेसिफाई करना पड़ा, मुझे केवल परिमाण बताना पड़ा कि भाई 5 किलो दाल या 5 किलो चीनी जो है वो तुम दे दो, उससे हमारा काम हो जाएगा। तो वैसे क्वांटिटीज जिनको बताने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड को स्पेसिफाई करना पड़े, केवल परिमाण बताना पड़े, वो स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका छोटा सा एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। हालांकि मैंने आपको बोल रखा कि आपको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये रंग बिरंगा नोट्स का PDF का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाता है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको केवल क्वेश्चन और क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी डेफिनेशन एक क्वांटिटी जस्ट लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी स्पेसिफाइड which can be specified completely by stating their magnitude only. वैसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनको बताने के लिए, जिनको कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड को बताना पड़े, हम बोलेंगे वह स्केलर क्वांटिटी है। एग्जांपल देखते हैं। अब इसके काफी सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे मास हो गया। हम दुकान जाते हैं, चीनी दाल खरीदते हैं, तो बोलते हैं भाई एक पसेरी चीनी दो। ऐसा नहीं बोलते एक पसेरी चीनी ईस्ट में दे दो। बोलेगा भाई क्या बोल रहा है, ठीक से बोलो, क्या ईस्ट में दे दो, मतलब हम ईस्ट में जाए और तुमको चीनी दे 5 किलो। तो मास अगर हमें बताना हो, लाइक 5 kg लिख लेते हैं। अगर मान लिया जाए हमें लेंथ बताना हो, तो लेंथ बताना हो लाइक 2 meter, ठीक है। अगर मान लिया जाए हमें ड्यूरेशन बताना हो, ड्यूरेशन मतलब समय, लेट से 5 सेकेंड, है ना। अगर हमें डेंसिटी बताना हो, डेंसिटी क्या होता है भाई, डेंस आप पढ़े हैं ना, डेंसिटी मास अप टू वॉल्यूम, तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट अगर हमें एनर्जी बताना हो, उसी तरीके से अगर हमें पावर बताना हो, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सभी हो जाएगा आपका। तो ये स्टूडेंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, मतलब वैसे क्वांटिटीज जिसको स्पेसिफाई करने के लिए, कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड को स्पेसिफाई करना पड़े, हम बोलेंगे वह स्केलर क्वांटिटी है। जैसे मास आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट हमें केवल यहाँ पे मैग्नीट्यूड स्पेसिफाई करना पड़ रहा है, 5 kg, 2 meter, 5 सेकेंड, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये सारे स्केलर क्वांटिटीज हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की, और यही हमें पढ़ना है पूरे यूनिट में वेक्टर के बारे में। इसीलिए स्टूडेंट मैंने पहला वीडियो रख दिया फिजिकल क्वांटिटी का, कि मे भी जो लोग भूल चुके होंगे या जिनको आता भी होगा उनका रिवीजन हो जाएगा। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वैसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनको कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़े, हम बोलेंगे वैसे क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी, वैसे क्वांटिटी को सदिश राशि, मतलब हिंदी में समझिए कि वैसे भौतिक राशियां जिनको पूरी तरीके से लिखने के लिए, बताने के लिए हमें परिमाण भी बताना पड़े और दिशा भी बतानी पड़े,
हम वैसे भौतिक राशि को सदिश राशि कहेंगे। आ रही बात समझ? जैसे सबसे बेहतर एग्जांपल है, अगर मान लिया जाए हम डिस्प्लेसमेंट बोले, आप लोग स्टूडेंट पढ़े होंगे बचपन में, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, जैसे मान लिया जाए कि एक लड़का है, ठीक है, ये एक लड़का है, बहुत ही बेकार लड़का बन गया, ये कुछ इस प्रकार से दौड़ रहा है, ठीक है, और दौड़ते हुए मान लिया जाए वो इस पॉइंट से लेकर के ऐसे दौड़ा और फिर यहां तक गया, तो ये तो हो गया इसका डिस्टेंस कि भाई ये ऐसे 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 गया है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हमें पता है इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम इसको बोलेंगे ये एक डिस्प्लेसमेंट है, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट मीन्स विस्थापन, आपने पढ़ा है ना, विस्थापन के बारे में जरूर पढ़ा होगा आपने भौतिकी में। तो अगर हम विस्थापन की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें स्टूडेंट, तो वो क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक की सबसे मिनिमम दूरी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ऑब्वियसली साथ में ये डिस्टेंस, साथ में ये डायरेक्शन भी बता रहा है, यही एकमात्र डिस्प्लेसमेंट है। आप डिस्प्लेसमेंट को ऐसे या फिर ऐसे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। आई बात समझ? तो डिस्प्लेसमेंट में क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, ये यहां से यहां तक की दूरी बताएगा ना भाई कि 5 किलोमीटर है, कितना किलोमीटर है भाई, या कितना मीटर है, जो भी हो, और साथ में डायरेक्शन भी बता रहा है। और बेहतरीन एग्जांपल हम लोग जिसको थर्ड यूनिट में पढ़ने वाले हैं, फोर्स, फोर्स की बात करें तो भाई इसीलिए तो वेक्टर आपको पढ़ाया जा रहा है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपको पहले वेक्टर पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जब हम लोग फोर्स को स्टार्ट करें, फोर्स को समझें, उसके क्वेश्चन बनाए, न्यूमेरिकल सॉल्व करें, उस समय आप वेक्टर के फॉर्मूला, वेक्टर के कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन वहां पे कर सके, ठीक है। इसीलिए हम लोग सेकेंड यूनिट में वेक्टर पढ़ रहे हैं। वेक्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, वेक्टर के कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं जो कि डायरेक्ट पूछ दिया जाए। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही वेक्टर एंड हो जाएगा, आज से 2 वीडियो 3 वीडियो 4 वीडियो के बाद, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें हम लोग वेक्टर के जो भी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको डिस्कस कर लेंगे। प्रीवियस ईयर कहने का अर्थ पिछले 5 साल 10 साल में जो पूछे गए, ठीक है। वेक्टर से लगभग क्वेश्चन नहीं ही आता है, लेकिन आपको जो आगे पढ़ना है, फोर्स पढ़ना है, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस पढ़ना है, फ्रिक्शन पढ़ना है, केवल और केवल फोर्स का ही यूज होने वाला है, और वो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके लिए हमें वेक्टर के रूल्स को आना चाहिए, एडिशन ऑफ वेक्टर, एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, क्या होता है वेक्टर, ये समझ में आना चाहिए। फिलहाल हम आते हैं वेक्टर क्वांटिटी पे, जहां पे हम लोग बात कर रहे थे कि वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और जिसके पास डायरेक्शन भी हो, जैसे फोर्स। हम जब भी फोर्स लगाते हैं तो हम ऐसा नहीं कहते हैं कि इस बॉडी पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा, है ना। अगर आप ध्यान दे, अगर आपने ध्यान दिया होगा स्टूडेंट, तो मैंने जब भी आपको पिछले वीडियो में भी पढ़ाया है, इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, हमने फर्स्ट यूनिट पेंट कर लिया है, जो 2-3 वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर मान लिया जाए ये बॉडी है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि इस बॉडी पे हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। हमें बताना पड़ेगा कि आखिर किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। लाइक हमें इस प्रकार से बताना होगा कि इस बॉडी पे हम क्या कर रहे हैं भाई, तो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो फोर्स है इसके पास देखिए परिमाण भी है 10 न्यूटन, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, साथ में इसके पास डायरेक्शन भी है कि अगर ये बॉडी है, अगर ये बॉडी है तो इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है ना, मतलब वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी हो, जिसको बताने के लिए, कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी बताना पड़े, डायरेक्शन भी बताना पड़े, वैसे फिजिकल क्वांटिटी को सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी हम बोलेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ये हो गया आपका फोर्स का एग्जांपल। चलिए
तो एक पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी में कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी स्पेसिफाइड या विच कैन बी कंप्लीटली स्पेसिफाइड which can be completely specified by stating their magnitude and direction both magnitude and डायरेक्शन बोथ। वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिनको स्पेसिफाई करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताने की आवश्यकता पड़े। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, डिस्प्लेसमेंट का दिया, फोर्स का दिया, और भी काफी सारे एग्जाम्पल्स है। जैसे एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें, अगर हम मोमेंटम की बात करें, है ना, वेलोसिटी की बात करें, तो ये सभी क्या है स्टूडेंट, ये सभी वेक्टर क्वांटिटीज है। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या, जिसको मेजर किया जा सके। अब अगर हम किसी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं तो हमारे पास दो कंडीशन, एक तो कि हमें केवल मैग्नीट्यूड को स्पेसिफाई करना पड़े, लाइक 5 kg, 5 meter, 10 second, तो हम बोलेंगे वैसे फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी। दूसरा केस, हमें उस फिजिकल क्वांटिटी को स्पेसिफाई करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ जाए तो हम वैसे क्वांटिटी को बोलेंगे क्या, तो वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर बात, बढ़िया। तो स्टूडेंट अपने नेक्स्ट लेक्चर से अब हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर को। वेक्टर यूनिट तो खैर आपका इसी वीडियो से स्टार्ट हो गया, लेकिन इस वीडियो का मेन मुद्दा था फिजिकल क्वांटिटी। अगले वीडियो में हम समझेंगे इंट्रोडक्शन टू वेक्टर, वेक्टर होता क्या है, मेन मुद्दा होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर उसके अगले वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर, लाइक फ्री वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, बहुत सारे वेक्टर के टाइप होते हैं, वो हम लोग समझेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।